जेजेएसएफ आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी, जेएनके रेसलिंग फेडरेशन को या जेएनके रेसलिंग एसोसिएशन को मैनेज कर रही हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 16/5/2013 में जो है लास्ट इलेक्शन हुए थे, जिसमें इन्होंने इलेक्शंस करवाए फौज तरीके से, जिसमें दुष्यंत जी जो है वो प्रेसिडेंट बन के आते हैं और अजय जी जनरल सेक्रेटरी बन के आते हैं। लेकिन हमारे स्टेट स्पोर्ट्स कोड 2013 और SRO 164 ये कहता है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो रेसलिंग फेडरेशन या कोई भी फेडरेशन हो उसका हेड नहीं बन सकता, जिसके बाद स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल 132nd स्टैंडिंग कमेटी में इन इलेक्शंस को खारिज कर देता है और इन दोनों लोगों के ऊपर बैन लगा देता है किसी तरह के चुनाव इलेक्ट करने से या कंटेस्ट करने से। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगा, जब पिछले मिनिस्टर हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर अंसारी साहब ने चुनाव करवाए, नई बॉडी बन गई, ये लोग आज भी उस बॉडी को काम नहीं करने दे रहे। और जेजेएसएफ का कंसर्न यहाँ पे ये है कि ये युवाओं को मिसगाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमारी स्टेट में स्क्रीनिंग के थ्रू जो प्लेयर बाहर जाते हैं सिर्फ वही किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए या किसी बेनिफिट के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन दुष्यंत शर्मा जी या अजय व्यास जी जिन प्लेयर्स को बाहर भेज रहे हैं वो विदाउट स्क्रीनिंग जा रहे हैं। ये कुछ सर्टिफिकेट थे मेरे हाथ में, ये सर्टिफिकेट उनको दिलवाए जाते हैं। स्क्रीनिंग जो है वो टीम के जाने से पहले होनी चाहिए, ये बाहर उनको पहले कंटेस्ट करवा के आते हैं, बाद में प्रेजेंट कमेटी के पास ये स्क्रीनिंग के लिए जाते हैं जिन्होंने टीम ही नहीं भेजी हुई। तो मैं ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये जो एक कन्फ्यूजन जम्मू के युवाओं के लिए जो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है उनके लिए क्रिएट की है, इसको दूर किया जाए। जो प्रेजेंट बॉडी अगर वो फेयर तरीके से बनी है उसको काम करने दिया जाए, और अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अपने पॉलिटिकल सपोर्ट की वजह से पॉलिटिकल सपोर्ट को मिसयूज़ करके इलीगली किसी चीज़ को मैनेज कर रहा है, किसी फेडरेशन को हेड करके बैठा है, तो मैं समझता हूँ उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए।